मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। जहां ताजा मामला रीवा जिले के चोराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां सुने आवाज का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। एक ही रात में तीन घरों को बदमाशों ने निशाना बनाया है। घटना चोराहटा थाना क्षेत्र के गुड़हर की है, जहाँ पवन पांडे के घर चोरी की घटना घटित हुई है। बताया जाता है कि परिवार अपने गृह ग्राम गोविंदगढ़ आ गया था, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाश घुसे और सोने चांदी के जेवर नकदी सहित चुरा ले गए। घटना की जानकारी दूसरे दिन हुई तो घर में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग पहुंचे तो जानकारी हुई कि बदमाश दो अन्य घरों को भी निशाना बनाया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में कभी भी पुलिस की गश्त नहीं होती, जिसके चलते आए दिन चोरी की घटनाएं घटित होती हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित और थाना प्रभारी का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। देखिए, कल रात को चोरी हुई है। लगभग समय तो नहीं बता सकते, अब जाँच के दौरान पता चलेगा, लेकिन रात का समय था और सामान जो गया है लगभग 25 तोला करीब सोना चला गया है। अब कीमत अगर आज की डेट में देखेंगे तो 15 लाख करीब चोरी हो गया है, और सब जेवर थे जो भी हमारी वाइफ के मतलब पहले शादी के दौरान प्राप्त हुए हैं, उसके बाद कुछ हमने बनवाए, कुछ उनको दूसरे समारोह में हमारे पिताजी ने गिफ्ट किए, तो सब मिला के टोटल लगभग 25 तोला लगभग सोना गया है। कुछ नकदी भी चोरी हुई है? नकदी का देखिए, बहुत नकदी तो नहीं थी, कुछ सामान मतलब नकदी में अगर बात करें तो थोड़ा बहुत हो सकता है, 4-6 हज़ार रुपये रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं था घर पे। नकदी की बहुत ज़्यादा चोरी नहीं हुई है, मेन सोने की चोरी हुई है। उस समय मैं अपने गृह ग्राम में था, जो कि हमारा गोविंदगढ़ बांसा पड़ता है। कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे, बच्चे का मुंडन वगैरह था, उसी के संबंध में गए थे वहाँ पे, और कल रात में ही लौटना था लेकिन किसी कारणवश नहीं लौट पाए और कल रात में ये घटना हो गई। सीसीटीवी अब पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं क्या आता है उसमें। कितने घर हुए हैं? मेरा नाम पवन कुमार पांडे, निवासी गुड़हर। कितने घर हुए हैं? तीन घरों में ऐसा बताया जा रहा है, हमें तो उतना आइडिया नहीं है, पर जैसा बात लोग बता रहे हैं तीन घरों में चोरी हुई है। यस पांडे गुड़हर, सारदानगर गुड़हर। क्या घटना हुई? ये घटना ये हुई अभी सुबह, हमें पता चला कि यहाँ तीन घरों में चोरी हुई है। तो ये राजकुमार झा साहब के यहाँ खिड़की तोड़े हैं, आलम जी के यहाँ खिड़की तोड़े हैं और अंदर घुसे थे, लेकिन मेन चोरी हुई है पवन पांडे जी के घर में। और ये जो है तो पहले से सूचना प्रभारी जी को दी गई थी कि इस क्षेत्र में चोरी का सिलसिला ज़्यादा जारी हो रहा है। सतीश पांडे जी के यहाँ चोर भी माने यहाँ भी दिखे थे, 5-6 नाकापोस, उसकी भी फुटेज भेजी गई थी प्रभारी जी को चोराहटा थाना। और निर्मा सिटी में 5-10 लाख की चोरी हुई, और अजय मिश्रा जी के यहाँ बाईपी सिंह के पीछे घर है जो कॉलोनी है, वहाँ भी चोरी हुई है। तो यहाँ चोरों का तांडव चल रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है। और क्या लगता है आपको? ये हमें ये लग रहा है कि पुलिस जब सक्रिय होगी तभी जनता की सुरक्षा होगी। आपको पता होगा कि हमारे साथ दिन दहाड़े स्वयं लूट हो गई थी, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, एसपी साहब, एडिशनल सर और ये मैडम जो सी एस पी। अभी वर्तमान में राजकुमार झा के घर में जो है तो वो खिड़की तोड़े हैं, आलम जी के यहाँ खिड़की तोड़े हैं, अंदर घुसे थे, कपड़े वपड़े बिखरे हुए हैं। तो दो घर में से तोड़ थाड़ हुई है, लेकिन चोरी नहीं हुई। चोरी आपके पवन पांडे जी घर में हुई है, ये अभी बता रहे थे। लगभग अभी तो सर्च चल रहा है, लेकिन बता रहे 25-30 तोला सोना। लगभग कितने बजे की घटना? ये रात की घटना, कम से कम ये 2:30-3 बजे की घटना है। तो यहाँ गश्त नहीं होती? यहाँ हाँ, ये गश्त के लिए प्रभारी से मिले थे, और यहाँ गश्त के लिए फिर 100 नंबर हम डायल भी किए कि हमारे साथ घटना हुई, हमारी बच्ची 2 बजे पढ़ रही थी रात में, 2 महीना पहले, तो बताई कि यहाँ भाई पापा चोर आए हुए थे। तो उसकी सूचना हम दिए वहाँ आपके प्रभारी चोराहटा, तो वो बोले कि आप 100 नंबर डायल करो। 100 नंबर डायल किए तो प्रजापत जी आए, वो बोले भैया हमको डीजल पेट्रोल का तेल नहीं मिलता है, कहाँ से हम प्रभाव वो करें। हम कहें भाई हम लोगों से लीजिए, आप आइए, चोरों का तांडव चल रहा है, घर में चोरी होगी। और वही देखिए आज परिणाम आ गया, पहले सचेत रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट, गश्त यहाँ नहीं हो रही है, इसी कारण से ये सब है। नाम बता दीजिए। ब्रिजेश पांडे गुड़हर, थाना चोराहटा। ये गुड़हर में पवन पांडे जी का मकान बना हुआ है, ये शादी के कार्यक्रम में गोविंदगढ़ गए हुए थे 2-3 दिन से, तो सुना मकान था इनके यहाँ चोरी हुई है। बगल के मकान में प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पे लोग थे तो वहाँ चोरी नहीं हो पाई है। तो
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अगर घर छोड़ के जा रहे हैं तो किसी न किसी को उस घर में रोके, क्योंकि सूने घरों में ही चोरी की घटनाएं घटित हुई। अभी लिखा पढ़ी में FIR करवा रहे हैं, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा।